Assalamu alaikum, dear students. Hope you are well and doing great. Today, I am going to present the topic tips to escape bad mood. So, let's move on. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बैड मूड होता क्या है. मतलब अक्सर जो हमारा जब मूड ख़राब होता है उस टाइम बिल्कुल हम लोग ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं लाइक हम लोग मैड हो जाते हैं उस मूड की वजह से. और उसके बाद अगर हम लोग मतलब बात करें कि व्हाट इज़ बैड मूड, हमारा जो मूड होता है ना वो हमारी एक फीलिंग होती है, मतलब हमारे इमोशंस होते हैं. अगर हमारा मूड अच्छा होगा तो हमें हर एक चीज़ अच्छी लगेगी, हम लोग चीयरफुल फील करेंगे. लेकिन अगर हमारा मूड ख़राब होगा तो हमें बात बात पे गुस्सा आएगा, हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी. मीन्स हम लोग इरीटेट हो रहे होंगे उस टाइम, और मतलब हमें हर एक चीज़ बुरी लग रही होती है. और अक्सर हम लोग किसी को नुकसान पहुंचाने से भी मतलब गुरेज नहीं करेंगे, हम लोग किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं अपने ख़राब मूड में. नुकसान सिर्फ ये नहीं होता कि हम लोग उसे अपने हाथ से नुकसान पहुंचाएं या फिर कुछ भी ऐसा करें, हम लोग उनको अपने वर्ड्स के साथ भी नुकसान पहुँचा सकते हैं, ठीक है. और उसके बाद जो बैड मूड होता है ना, उसकी रीज़न हमेशा यही नहीं होती कि हमारा मतलब वो मूड हमारी अपनी गलती की वजह से ऑफ हो. ये भी हो सकता है कि वो किसी और की वजह से ऑफ हो, ठीक है. तो लेकिन हमें हमेशा किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, हमें ये भी सोचना चाहिए कि मेरे मूड ऑफ होने में मेरी अपनी गलती है या फिर किसी और की गलती है. उसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉजेज पे कि मतलब बैड मूड की कॉजेज क्या होती हैं, ठीक है. तो उसके बारे में हम लोग मतलब उसके मेन कॉजेज ये होते हैं कि मतलब हम लोग मतलब कोई जॉब हम लोग वैसे कर रहे होते हैं कि हमारा बॉस अच्छा नहीं होता या फिर काम का बर्डन ज़्यादा होता है. और उसके बाद हो सकता है कि ब्रेकअप, और फिर हमारे किसी फैमिली मेम्बर के साथ हमारी फाइट हो जाए जो हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता हो. और उसके बाद मतलब कोई बंदा मतलब कभी कभी हम लोग तन्हा होते हैं, लोनली फील कर रहे होते हैं, उसकी वजह से हमारा मूड बहुत ख़राब होता है, ठीक है. तो मतलब इसकी बैड मूड की ना सबसे ज़्यादा अगर हम लोग वजह देखें तो मोस्टली ब्रेकअप होता है या फिर जॉब, अगर हमें कोई जॉब का इशू हो तो वही होता है. ब्रेकअप में ये होता है कि हम लोग एक इंसान पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारा अच्छा या बुरा मूड, मतलब गुड और बैड मूड उस इंसान पर डिपेंड कर रहा होता है. कि मतलब अगर वो इंसान हमारी लाइफ में है तो हम लोग खुश हैं, अगर नहीं है तो हम लोग नहीं खुश हैं. हमारी कोशिश मतलब हमारी ईच एंड एवरीथिंग उस पर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें अपने आप को तलाशना चाहिए कि हाँ हम लोग क्यों किसी पर डिपेंड करें अपने मूड के लिए, ठीक है. उसके बाद अब हम लोग इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा मूड ख़राब हो, बैड मूड हो, तो हम लोग उससे कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, लेट्स सी. और उसके बाद आप मतलब देख सकते हैं कि इस ग्राफ में आप लोगों को पता चल रहा होगा कि हमारा मतलब मूड की ज़्यादा किस पर डिपेंड करता है. कि देखिए अगर आउटकम्स एक्सपेक्टेशंस, मोस्टली हम लोग तब हर्ट होते हैं, हमारा मूड उस टाइम ख़राब होता है जब हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती है उस पर कोई पूरा नहीं उतर रहा होता, ठीक है. और प्रिडिक्शन एरर्स मतलब उसके बाद कुछ थोड़ा थोड़ा होता है कि हमला हो जाता कि हमारे अपनी सेल्फ मतलब अपनी वजह से मूड हमारा ऑफ हो, ठीक है. और अब हम लोग बात करेंगे टिप्स टू एस्केप बैड मूड, मींस हाउ टू गेट रिड ऑफ बैड मूड. सबसे पहला टॉक अबाउट व्हाट हैज़ पुट यू इन अ मूड, ठीक है. उसके बाद नंबर टू है बीट अ मूड बैड मूड विथ एक्सरसाइज. नंबर थ्री ईट चॉकलेट टू मेक यू फील बेटर. थिंक अबाउट लेस फॉर्चुनेट पीपल. नंबर फाइव ब्लास्टिंग अबाउट सम पॉजिटिव म्यूजिक. नंबर सिक्स गेट अ पेट. सेवन टेक टाइम आउट. एट अवॉइड पीपल हु पुट यू इन बैड मूड. ओके, अब हम लोग थोड़ी सी इन पर थोड़ा सा हम लोग मतलब देख लेते हैं, इन पे थोड़े से इनको हाईलाइट कर लेते हैं. टॉक अबाउट व्हाट हैज़ पुट यू इन अ मूड, ठीक है. मतलब अक्सर ऐसा होता है कि अगर हमें किसी भी बात की परेशानी हो, टेंशन हो, या फिर हमारा मूड ख़राब हो, तो किसी इंसान के साथ बात करने से ना हम लोग थोड़ा सा फील करते हैं कि हाँ ये मेरी टेंशन ख़त्म हो गई है. क्योंकि
कुछ लोग हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस ही इस कदर रखते हैं कि हम लोग उनको बात बताने से हम लोग ये समझते हैं कि हाँ भाई मेरी आधी टेंशन ख़त्म हो गई है। तो हमें किसी ऐसे इंसान से बात कर लेनी चाहिए जो हमें अच्छी तरह समझ रहा हो, या फिर मतलब जिसको हमारी पता हो हमारी साइकी का कि हम लोग कैसे हैं, वो हमें अच्छी तरह समझा सके। हमें किसी ऐसे के साथ बात कर लेनी चाहिए, उसके साथ हमारी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लेनी चाहिए, उसके बाद उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे बीट अ बैड मूड विद एक्सरसाइज। अगर मतलब एक्सरसाइज के साथ भी हमारा मूड बहुत जल्दी चेंज हो सकता है। जो एक्सरसाइज है ना वो हमारे बैड मूड पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट रखती है। मतलब हम लोग बाहर निकलते हैं, एक तो ये होता है ना कि मतलब फ्रेश एयर होती है, उसके बाद हम लोग अपनी सराउंडिंग्स में कुछ पॉजिटिव पीपल्स होते हैं उनसे मिलते जुलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस की वजह से इंक्रीज होता है, पॉजिटिव इंटरेक्शंस होते हैं, और उसके बाद नेचुरल बूस्ट अप होता है कि हम लोग फ्रेश फील करते हैं, उसकी वजह से भी हमारा मूड अच्छा हो सकता है। उसके अलावा जो मतलब एक्सरसाइज जब हम लोग करते हैं ना तो हमारे वो मतलब एंड्रोफिन्स हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं जो हमारे मतलब माइंड को फ्रेश करते हैं, उनको मतलब हमारा मूड अच्छा बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ईट चॉकलेट टू मेक यू फील बेटर, ठीक है। तो अक्सर मतलब हमें चॉकलेट्स बहुत पसंद होती हैं, कुछ लोगों को नहीं भी पसंद होती, लेकिन जो चॉकलेट होती है उसका भी हमारे मूड पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है कि मतलब कुछ लोग जब टेंशन में हो परेशानी में हो ना तो वो चॉकलेट खाते हैं, इस तरह ना मतलब उनको थोड़ा सीरोटोनिन हॉर्मोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी मतलब रिलीज होते हैं, जो हमारे ब्रेन को ना मतलब रिलैक्स कर रहे होते हैं कि मतलब उसकी वजह से भी हमारी बहुत सी हमारा मूड चेंज हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे थिंक अबाउट लेस फॉर्चुनेट पीपल। कभी ये होता है कि हमें ऐसा से कमतरी का मतलब एहसास हो रहा होता है कि मैं उसके पास इतना क्यों है, मेरे पास कम है। तो हमें अपने से जो नीचे है ना, नीचे तबके वाले लोग, उनको देखना चाहिए कि हम लोग देखें हाँ मतलब हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास हर एक चीज़ है, हमें किसी तरह की महरूमी नहीं है, हम लोग चल सकते हैं, देख सकते हैं, फिर सकते हैं, खा सकते हैं। वो कुछ ऐसे लोग हम लोगों को तो इस वजह से फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बड़ी ख्वाहिश होती है उनके बच्चे पढ़ें, अच्छा खाएँ, अच्छा पिएँ, लेकिन उनके पास दो वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो हमें उनकी तरफ देखना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमारे मूड पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल सकती है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे ब्लास्टिंग आउट सम पॉजिटिव म्यूज़िक। आपने देखा होगा, हमने नोटिस किया होगा कि यार जब हम लोग म्यूज़िक सुनते हैं तो हम लोग अगर कोई अच्छा सॉन्ग सुन रहे होंगे ना, हमारा मूड उसके साथ चल रहा होगा। अगर हम लोग कोई सैड सॉन्ग सुनेंगे ना, यार सैड सॉन्ग सुनते जाओ, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं ज़िंदगी में कितनी दफ़ा ब्रेकअप हुआ है, जैसे आपका कभी अभी अभी किसी ने दिल तोड़ा हो। हालांकि ऐसा होता नहीं है, सिर्फ उस म्यूज़िक का हमारे माइंड पर इम्पैक्ट होता है। कुछ लोगों को म्यूज़िक से नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन 100 में से 90% लोग ऐसे हैं जिनका मूड स्विंग हो जाता है म्यूज़िक के साथ। तो हमारे मूड पर जो म्यूज़िक होता है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे गेट अ पेट। कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब पेट्स रखने का बहुत शौक़ होता है, लाइक मुझे कैट्स रखने का शौक़ है। तो उनके मतलब जो वो जब खेल रहे होते हैं, हम लोग उनके साथ भी टाइम स्पेंड करके अपना मूड बहुत अच्छा बना सकते हैं। वो मतलब कुछ ऐसी फ़नी थिंग्स कर लेते हैं कि हमें उनको देख के हंसी आ जाती है, या फिर अगर हम लोग वॉक पे चले जाएँ उनके साथ, इस तरह का कोई काम कर लेना तो हमारा मूड बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टेक टाइम आउट के, मतलब हमें खुद को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। हम लोग जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको एक दफ़ा माइंड से निकाल देना चाहिए। और मतलब एक अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग घर में रह के रिलैक्स हो, हमारी बॉडी माइंड सब कुछ रिलैक्स हो, तो हमें चाहिए कि हम लोग मतलब टेक अ बाथ, थोड़ी देर के लिए मतलब बाथ नहा लें, ताकि उससे हमारी बॉडी भी रिलैक्स हो जाती है और हमारा माइंड भी बहुत रिलैक्स हो जाता है। या फिर हम लोग किसी मतलब घूमाए कहीं पर जाके, कहीं पर चले जाए, मतलब अपने आप को टाइम दें, बाकी सबको छोड़ के अपने आप को टाइम दें, अपनी सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे अवॉइड पीपल हु पुट यू इन बैड मूड। उन लोगों से मतलब बच के रहना जो अक्सर हमें हमारा मूड ख़राब कर देते हैं। अब वो कहते हैं ना पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती हैं,
इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो हमारी लाइफ को में बहुत अच्छा इम्पैक्ट रखते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हमेशा हमें टेंशन्स देते रहते हैं, तो उनसे अवॉइड करना चाहिए, मतलब उनकी बात को सुनी अनसुनी कर देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह हमारी मतलब हमारा बैड मूड एक उन लोगों की वजह से हमारा मूड ख़राब हो जाता है, तो थोड़ा सा उनसे भी हमें बच के रहना चाहिए, मतलब उनसे गुरेज बरतना चाहिए, ठीक है। और आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी जो मैं आप लोगों को समझाना चाहती थी, लेकिन अगर नहीं भी आई तो आप मुझसे बार बार क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अनवेवरिंग अटेंशन थ्रू आउट दिस प्रेजेंटेशन। चीयर्स। आई रिमेन मोस्ट ग्रेटफुल फॉर द रैप्ड अटेंशन विद विच यू सैट थ्रू दिस लेक्चर। आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम इट। थैंक यू।